जिससे उस संतान का पता चल जाए। मंत्री कहते हैं चिंता मत कीजिए, अभी वो जो संतान है वो इस ब्रजमंडल के बाहर नहीं गई हो, हम जाते हैं पता करते हैं। कंस कहते हैं कुछ ऐसा करो जिससे उस संतान का वध कर दिया जाए। मंत्री कहते हैं तो एक काम करते हैं, ब्रजमंडल में जितने भी नवजात शिशु हैं सभी का वध कर देते हैं, सभी को मार देते हैं, तो हो ना हो उसमें आपका जो काल है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात कंस को जम गई है। अब महाराज ब्रजमंडल में कई सारे राक्षसों को भेज दिया है। यहाँ पर नंद महल में तो आनंद उत्सव चल रहा है, भगवान का जन्म हुआ है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने 2,00,000 गाय धन आभूषण दान में दे दिए। आज ऐसा लग रहा है मानो नंद भवन नहीं है, नंद भवन जो है वो क्षीर सागर बन चुका है, जहाँ पर विष्णु जी जो है वो श्री कृष्ण के रूप में बैठे हुए हैं और सभी मिलकर के आनंद उत्सव मना रहे हैं। जितने भी नंद महल में जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं, ब्रजवासी हैं, सभी आनंद उत्सव मना रहे हैं। महाराज इतने प्रसन्न आज से पहले ब्रजवासी हुए ही नहीं, ने आज है। अब नंद महल में तो उत्सव कई दिनों तक चला। श्री कृष्ण को पता चल रहा है कि आए दिन किसी ना किसी नवजात शिशु की मृत्यु हो रही है। भगवान सोचते ऐसे ही चलता रहा तो एक एक करते करते सारे नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाएगी। अरे जब बड़ा होऊंगा तो खेलने के लिए कोई होना भी तो साथ में, तो इसलिए भगवान योग माया से कहते हैं कि जाओ जाकर के उस राक्षसी के मस्तक पर बैठो और सीधे यहां पर भेजो। तब योग माया जाती है जाकर के पूतना नामक राक्षसी के मस्तक पर बैठती है। अब मरा जो पूतना है उसने एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया हुआ है और अपने स्तन पर विष का लेप लगा करके आई है। अब नंद महल में तो आनंद उत्सव है, तो पूतना जैसे ही यशोदा मैया के पास आती है कहती मैया मुझे पता चला बुढ़ापे में आपके यहाँ पर बालक ने जन्म लिया, सोचा चलो बधाई देती चलती हूँ, कहाँ पर है लाला? यशोदा मैया कहती वो पालने में झूल रहा है। अब भगवान तिरछी निगाह करते हैं, पूतना को देख लिया है, जैसे पूतना को देखा नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान के नेत्र बंद करने के पीछे कई सारे कारण बताए गए। भगवान ने सोचते लो अभी तो जन्म लिया है, जन्म लेते ही मुझे लीला रचनी पड़ेगी। तो यशोदा मैया कहती है वो पालने में झूल रहा है। अब बधाई चल रही है, बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, तो इसलिए मैया सभी को भगवान के दर्शन करने दे रही हैं, पास जाने दे रही हैं। तो यशोदा मैया पूतना से कहवे कि उपालने में झूल रहा है, जाओ जाकर के दर्शन कर लो। अब यशोदा मैया तो बात करते करते रसोई घर में चली गई। महाराज इसके बाद पूतना जाती है भगवान के पास, भगवान को अपनी गोद में लिया है। अब जैसे ही गोद में लिया तो पूतना भगवान को स्तन पान कराने लगी है। तो भगवान सबसे पहले पूतना के विष को पीते हैं, विष पीने के बाद स्तन पान करते हैं, दुग्ध पान करते हैं, और इसके बाद भगवान पूतना के प्राणों को पीना आरंभ कर देते हैं। अब जैसे ही पूतना के प्राणों को पीना आरंभ किया तो बड़ा कष्ट हो रहा है पूतना को। अब है तो राक्षसी, आई एक नारी के वेश में है, तो जैसे ही प्राणों को पीना आरंभ किया तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आने लगी है। महाराज दौड़ी दौड़ी वन की तरफ गई है। अब जैसे ही वन में पहुंचती है तब भगवान उसके प्राणों को पूरी तरह से पी लेते हैं। पूतना एक विशाल राक्षसी बन चुकी है, फिर से वास्तविक स्वरूप में आ गई है। तो जैसे ही पूरी तरह से प्राणों को पिया पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, बहुत जोर से आवाज होती है, पूरे ब्रजमंडल में फैलती है। अब जैसी आवाज हुई सबसे पहले यशोदा मैया अपने पालने में देखती है, देखा तो पालने में कन्हैया नहीं है। मैया समझ गई कुछ गलत हुआ है। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े जाते हैं वन में। अब वन में जाकर के देखा एक इतनी विशाल राक्षसी के ऊपर छोटे से कन्हैया बैठे हैं। महाराज यशोदा मैया घबरा गई है, क्या तुरंत ठाकुर जी को गोद में उठाया, अपने हृदय से लगा लिया है, गले से लगा लिया है।
यशोदा मैया कहती हैं, मेरा लाला इतना सा है, इतने संकट आ रहे हैं इसके ऊपर। तो इस घटना के बाद से यशोदा मैया नंद बाबा बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। अब महाराज यशोदा मैया भगवान के दर्शन ज्यादा किसी को करने नहीं दे रही हैं। नंद बाबा भी सोच रहे, हमारा लाला इतना सा है, पता नहीं क्या हो गया, जो आए दिन इसके ऊपर संकट आ रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद